हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली, प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल बात करने वाला हूँ, जीरो टू हीरो। ये उस बंदे की कहानी है जो मेरे को 2007 में राजस्थान में मिला, और इस बंदे ने ही मेरे को वहाँ पर प्रॉपर्टीज दिखाई इधर उधर की। तो इसमें क्या चेंज आई वो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। जब हम पहली बार अप्रैल 2007 में राजस्थान में गए तो ये बंदा हमें मिला, वो फकीर चंद अग्रवाल जो अम्बाला के रहने वाले थे, वो इसके जानकार थे और इसके पास ले गया। इसके पास ले जाने के बाद हमें इधर उधर घुमाया, हमें कोई प्रॉपर्टी हमने मतलब प्रॉपर्टी का सर्वे किया देखा। तो मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, जीरो टू हीरो क्या है। जब ये बंदा मेरे को 2007 में मिला था, इस बंदे का मोबाइल फ़ोन की बॉडी टूटी हुई थी, मोबाइल फ़ोन का शीशा टूटा हुआ था रादर। तो ये रात शीशा डलवाने की बजाय मैंने इसको कहा भी तेरी यार इसकी बॉडी है, बॉडी डलवा लो। तो 60 रुपये की बॉडी आती थी, ये कहता जी मैं 60 रुपये नहीं कर सकता भी। तो आपको बताने का मकसद ये है भी 2007 में ये बंदा 60 रुपये खर्चने के लिए तैयार नहीं था मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जो कि बहुत ही हमारे लिए रियल स्टेट बंदों के लिए बहुत बड़ा हथियार है। मोबाइल फ़ोन ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो उसके ऊपर 60 रुपये खर्चने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये जुड़ता चला गया, हमारे साथ जुड़ा, हमारे साथ जुड़ने के बाद इसने आसपास की स्टडी करी, हमें जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से इसने काम करना शुरू किया, और काम करना शुरू करके मतलब प्रॉपर्टी ढूंढी कंपैरिजन किया और कई चीज़ें करके हमारे सामने ला दी। बड़े मतलब ये मैं ये गर्व से ये भी कहता, मैं भी गर्व से कहता हूँ, ये वो चेला है हमारा जो जीरो से हीरो बना। ये किसी टाइम गन्ने का रस बेचता था वहाँ पर, गन्ने की रेड़ी लगाता था, गन्ने का ठेला लगाता था, गन्ने का जूस बेचता था वहाँ पर। आज यदि इसकी पोजीशन देखें, आज ये बंदा कम से कम इसके पास मल्टी करोड़ का इसके पास एसेट है। इसके अपने अपने पेरेंट्स से कोई पैसा नहीं है इसने। इसके पास मेरा ख्याल आज 4 JCB होंगी, 10-12 टिप्पर हैं, और स्कॉर्पियो गाड़ी रखी हुई थी जब मैं पहले गया था इसके पास, और भी कई काफ़ी कुछ है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, एवरीथिंग। सीखने वाला बंदा जिसको चेटक लग जाए सीखने की, जिसको भूख लग जाए पैसा कमाने की, वो बंदा कभी भी पीछे नहीं रहता। ये इसका नाम भी DN नाइक, नाम भी सही है। तो इस बंदे ने जीरो से हीरो तक का सफ़र मेरी आंखों के सामने तय किया, और रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा करता है कि मेरे को मिला राजस्थान में और अपने घर ले गया। इस वो गुरु पूर्णिमा थी, आज भी गुरु पूर्णिमा है, तो ये कहता है मैंने अपने घर में कोई पंडितों को बुलाना था, मतलब उनको उनका भोज करवाना था, तो मेरे को ले गया। कहता है सर मैं आपसे बड़ा पंडित किसी को नहीं मानता आज के मतलब मेरा जो मैं तलाश कर रहा था पंडितों की, आपको मिलके मेरी तलाश खत्म होगी। मतलब मेरा इतने इसने इसको मेरे को मतलब डिनर भी लंच डिनर दोनों करवाए, साथ में मेरा जो रिगार्ड है वो किया, और सबसे बड़ी बात इसके चेहरे पर खुशी थी और चेहरे पे ग्रेटिट्यूड था। ग्रेटिट्यूड का मतलब थैंकफुलनेस थी कि सर जो कुछ किया मैंने आपकी वजह से किया। सो दोस्तों ऐसे लोग, और पढ़ा लिखा कितना, 7 जमाते पढ़ा हुआ है, ये भी मत समझना कि इसने MBA की है या PhD की है, कुछ नहीं करा हुआ इसने, 7-8 जमाते पढ़ा हुआ है। तो यदि ये बंदे ऐसा काम कर सकते हैं तो आपके लिए कितना आसान है। जो बंदा जीरो से उठ के, जो बंदा 60 रुपए खर्च नहीं सकता अपने मोबाइल के ऊपर, आज वो चाहे उसके बच्चों के पास 1.5-1.5 लाख के मोबाइल है। तो इस बंदे ने 2007 से लेके 2022 तक ये 15 साल में मैंने इसको यहाँ से यहाँ देखा है, बल्कि 15 नहीं, मैं तो ये समझता हूँ 2007 से बाद 2010-11 में ही इसकी विजन यहाँ पर आ गई थी। इसने हाँ मेहनती बहुत है, पता नहीं लगता, रात को तो आप 10 बजे फ़ोन करोगे हमने चलना है भाई, तो ये कहेगा लो सर मैं आ गया जी, तो सुबह 4 बजे को सुबह 4 बजे आए। मतलब चलने से कोई टाल मटोल नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। लोगों को, हमारे लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन है, टाल मटोल करने की आदत हो जाती है, लेकिन इस बंदे में मैंने ये आदत बिल्कुल नहीं है, इस बंदे में मैंने ये आदत नहीं इसको पाई। जब भी जाते हैं इसको पता लग जाए कि मैं आ रहा हूँ, ये सारे काम छोड़ के इंतज़ार करता है,
पूरा मान, पूरा इज्जत, पूरी पूरा सत्कार देता है और आंखों में हमेशा थैंकफुलनेस इसके रहती है, आंखों में हमेशा ग्रेटिट्यूड रहता है। दोस्तों मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा, मैं ये एक स्टोरी सुनाने का मतलब है आपके लिए, आपको पिन करना चाहता हूं मैं ये पंचलाइन आपके लिए है कि इफ ही कैन डू व्हाई कांट यू। यदि ये बंदा कर सकता है यार, सात पड़ा बंदा कर सकता है, गन्ने का जूस बेचने वाला बंदा कर सकता है, 60 रुपये खर्च करने की जिसमें कैपेसिटी नहीं है वो कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? उठ जाओ, खड़े हो जाओ यार, हथियार उठा लो आज। आज अपना गोल लिख के सोना, ये वीडियो देख के गोल लिख के सोना कि आपने क्या करना है, और आपको कहीं भी जरूरत हो हमारी तो हम आपके साथ खड़ेंगे, बिल्कुल खड़ेंगे। कहीं भी आपको डाउट होता है, कहीं कुछ होता है, किसी तरीके से भी आपको मदद की ज़रूरत है, हम मदद भी करेंगे, जितनी मदद फ्री में कर सकते हैं फ्री में करेंगे, नहीं तो आप हमारी ट्रेनिंग सेंटर में आके आपको ऐसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप आ जाओ, आपको निराश नहीं जाने दूंगा, ये मेरा दावा है और आपके साथ किया हुआ वादा है। थैंक यू वेरी मच, राजवंत सिंह मोहाली।